मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी जो है आप लोग सोच रहे कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो फिलहाल में हम लोग जा रहे हैं आज गलतेश्वर। सूरत से 40 किलोमीटर है, वहाँ पे जो है भोलेनाथ का मंदिर है पूरा गाइस, मतलब घूमने के लिए बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल भी है, तो वहाँ पे चलेंगे। आधा रास्ता में आ चुके हैं। और कितना दूर होगा पहुँच? और 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर, तो वहाँ पे चलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई गलतेश्वर में कैसा महादेव टेम्पल है, ठीक है। और अपने साथ में नितिन है, समीर है, पवन है, मेरा भाई है, कृष्णा भी आया हुआ है, और एक ये रहा, क्या नाम मेरे तेरा? विक्की भी आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस अभी जो है हम लोग आधा रास्ता तो आ चुके हैं, थोड़ा टाइम रुके हुए थे क्योंकि काफी टाइम से भाई बाइक चल रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोग रुक गए थे रेस्ट के लिए। जो लोग सूरत के होंगे या फिर गुजरात के होंगे, उनमें से तो बहुत सारे लोगों को गलतेश्वर के बारे में पता भी होगा, गए भी होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग होंगे उनको शायद नहीं पता होगा। तो अभी जो है हम लोग डायरेक्ट चलेंगे गलतेश्वर में। मैं आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा वहाँ पे, क्या क्या चीजें ब्लॉग में आप सभी लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा, तो भाई ब्लॉग में बने रहना। हम लोग जल्दी से चलते हैं मंदिर के पास। अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं गलतेश्वर। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है, यहाँ पे जो है पूरा पार्किंग का सिस्टम है, और पार्किंग भी यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है। ये देखो कितना सारा बाइक खड़ा है, और उधर जो है कार पार्क करने के लिए अभी भी बहुत पार्किंग खाली है। तो गाइस अभी जो है हम लोग चलते हैं अंदर। चल भाई, गाइस अभी जो है हम लोग बाहर ही हैं, और ये देखो भाई यहाँ पे जो है भोलेनाथ का पूरा मूर्ति है, ठीक है। तो जय भोलेनाथ। ये देखो भाई, ये दिख रहे हैं, ये चेक करो भाई। चलो भाई चलते हैं अंदर एंड पास से भी पूरा दर्शन करेंगे। गेट जो है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे जो है पूरा स्टॉल है, यहाँ से हम लोग खाने पीने का ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो और गाइस हम लोग को लग गया था भूख, तो हम लोगों ने सबसे पहले मंगा लिया है नाश्ता यहाँ पे, समोसे, और विक्की जो है सबको चटनी सर्व कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद फ्रेश होके चलेंगे अंदर, और उसके बाद दर्शन करेंगे। हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है, यहाँ पे भाई मेन गेट, तो चलते हैं जल्दी से अंदर। यहाँ पे जो है इतना बड़ा भोलेनाथ का पूरा मूर्ति बना हुआ है, और इसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सब ज्योतिर्लिंग भी इसके अंदर बनाए गए हैं, उसके भी दर्शन हम लोग कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर टोटल 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में हैं, बट यहाँ पे भी जो है उन्हीं के छोटे छोटे से स्वरूप बनाए गए हैं। जो लोग यहाँ पे भी दर्शन करने आते हैं, वो लोग यहाँ पे उनके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में ये गेट से हम लोग चलते हैं अंदर एंड हम लोग भी दर्शन करते हैं एंड आप लोगों को भी वीडियो के थ्रू ही दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि सौराष्ट्र गुजरात के अंदर हैं। यहाँ पे है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि हैदराबाद के अंदर है। यहाँ पे है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के अंदर मौजूद है। यहाँ पे है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका गुजरात स्टेट में है। और गाइस यहाँ पे है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। यहाँ पे है श्री अमरनाथ शिवधाम, और गाइस यहाँ पे है श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। यहाँ पे है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। और गाइस यहाँ पे है श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हिमालय के उत्तराखंड स्टेट के अंदर है, और ये जो है केदारनाथ धाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोग वहाँ से एंट्री लिए थे और यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है भाई गलतेश्वर गंगोत्री त्रिवेणी संगम प्रवेश द्वार। यहाँ पे गई स्विमिंग पूल भी है, तो उसके अंदर भी चलेंगे। यहाँ पे जो है हम लोगों ने ले लिया है पास, और एक पास जो है 50 रुपये का, ठीक है। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। सबको
मेरे को तो नदी में तैरने का मोबाइल और बैग चोर से सावधान। और गाइस एक बार जो है आप लोग स्विमिंग पूल में भीड़ चेक करो भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। उसका शायद रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे आज संडे के दिन आए हुए हैं, तो शायद इसीलिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि संडे को सबका हॉलीडे होता है, तो सब लोग यहाँ पे गर्मी के सीज़न में एंजॉय करने आ गए हैं। तो अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो तो संडे को मत आना, किसी और दिन आना, शायद इतना ज़्यादा भीड़ आप लोग को देखने को ना मिले। और गाइस अभी जो है हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं, तो ऐसे तो हम लोग जाने वाले नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग भी चलते हैं अंदर, डुबकी लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं बाहर, दर्शन वर्शन सब कुछ अच्छे से हो चुका है। आई होप आप लोगों ने भी पूरा दर्शन कर लिया होगा वीडियो के थ्रू ही। तो आज के बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय जय भोलेनाथ।